वैज्ञानिकों ने जब इस टुम्ब को खोला तो अंदर जो मिला उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो आर्कियोलॉजिकल खोज हम आपको दिखाएंगे वो मानव इतिहास की सबसे हैरतअंगेज खोजों में से एक थी। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी कुछ एक आध साल पहले इजिप्ट में एक बहुत ही फेमस मोमीफाइड टुम्ब को खोला जा रहा था। यह टुम्ब 4000 साल पुरानी थी। ऐसे में इसका मिलना और सुरक्षित पाया जाना भी अपने आप में बड़ी बात थी। कुछ समय के बाद इस टुम्ब को ऑन कैमरा खोला गया, जिसकी फुटेज सच में चौंकाने वाली थी। गुप्त खबरों के अनुसार इस टुम्ब को जब खोला गया तब इसके अंदर और इसके आसपास सोने का भंडार मिला था, जिसमें सोने से बनी प्राचीन मूर्तियां, आभूषण और बर्तन शामिल थे। जिन्होंने इसको खोला उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सोने का वो भंडार इतना बेशकीमती था कि उसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वल खबरों के अनुसार प्राचीन इजिप्शियन किसी भी मम्मी को मम्मीफाइड करने से पहले उसके साथ सोने चांदी के आभूषण वगैरह तो रखा करते थे। ऐसे में इस बात पर शक करना और भी लाजमी हो जाता है। अर्जेंटीना ब्राजील की एक सुबह, यहां के रहने वाले एक नागरिक को अपने घर के पास में मिट्टी में दबी ऐसी गोल आकृति वाली अजीब सी चीज नजर आई, जिसको देख के इस व्यक्ति को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भला ये क्या चीज है। और लगातार बड़ी सावधानी से इसकी खुदाई करने के बाद यह सच सामने आया कि जिस बड़ी गोल चीज को देखकर यहाँ के लोग आश्चर्यचकित हुए थे, ये गोल चीज कोई मामूली चीज ना होकर एक ग्लिप्टोडॉन या यूं कहें एक विशाल आकार के आर्माडिलो का शरीर का खोल था। एक ऐसे जीव का खोल जो आज से हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी पर निवास करता था, जब हम इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं था। इस खोज पर आपकी क्या राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दक्षिणी मिशिगन का सोयाबीन का एक खेत, जहां अचानक इस खेत के मालिक जिम ब्रिस्टल को जमीन में कुछ अजीब सी चीज के दबे हुए होने का एहसास होने के बाद इन्होंने अपने दोस्तों और खुद अपने औजारों के साथ यहां की खुदाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहां जो मिला सबके होश उड़ा देने वाला था। ये अजीब सी चीज जो आप देख रहे हैं वे आज से 15,000 साल पुरानी एक वुली मैमथ नाम की विलुप्त प्रजाति के किसी जीव का दांत है। किसी खेत में अचानक इसे विलुप्त जाति के किसी जीव का दांत मिलना सच में बड़ी अजीब और सोच में डालने वाली बात थी। 1974 में चीन के एक मामूली से किसान की इस खोज ने दुनिया भर के होश उड़ाकर रख दिए। जिन सांगसी नाम की इस जगह के किसी खेत में इस किसान ने मिट्टी से बनी एक पूरी टेराकोटा आर्मी की खोज कर डाली, जो 3rd century में चीन की सबसे बड़ी आर्मी थी। इस खोज के दौरान किसान ने सैकड़ों मिट्टी से बने सैनिकों, घोड़ों, सिपाहियों या यूं कहें एक पूरी टेराकोटा आर्मी का शहर खोज डाला था। ये एक ऐतिहासिक खोज थी जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। बड़ी ताज्जुब की बात है कि 29 मार्च 1974 के दिन अगर वो किसान पानी की तलाश में जमीन न खोदता तो इतनी बड़ी टेराकोटा आर्मी के अवशेष हमें नहीं मिल पाते। 1930 में हुई इस असाधारण खोज ने तो हम सभी मनुष्यों को सोचने पर मजबूर कर डाला। मिट्टी से बना एक 13 सेंटीमीटर का जार, जो एक तांबे से बनी नलीनुमा संरचना जिसमें एसिड और अल्कलाई भरा हुआ था। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये पुराने जमाने में काम में आने वाली बैटरी थी, जिससे बिजली उत्पन्न की जाती थी। इस महान खोज ने इस बात पर भी पूरी तरह मोहर लगा दी कि पुराने जमाने में ऐसी कमाल की टेक्निक सच में थी, जिन पर हम आज भी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन वो सब सच में थी और ये पुरातत्व बैटरी इसी बात की ओर इशारा करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी आर्कियोलॉजिकल खोजें बेहद हैरतअंगेज लगी होंगी। बड़ी मेहनत से बनाए इस वीडियो पर 1,00,000 लाइक्स के साथ अपना प्यार दिखाकर आपके फेवरेट चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही होश उड़ा देने वाले वीडियोस हर रोज लाते ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।